पढ़ा था वो कौन सा था, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि दो दर्जे का सवालों का नजरिया। लेकिन जो थर्ड चैप्टर है वो कौन सा है, वेरिएशंस यानी कि तगयुरात। तगयुरात यानी कि वेरिएशंस को हम बाद में पढ़ेंगे। वेरिएशंस होते क्या हैं, सबसे पहले इसमें हमारे पास क्या यूज हो रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। रेशियो आर रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड मेजर्ड इन सेम यूनिट इज कॉल्ड रेशियो। दो हम सब मिलता है यानी कि दो एक ऐसे मिलता है रेशो में, थ्री रेशो टू, ये इस क्वेश्चन का आंसर है।
ये हमारे पास डिवाइड में आ गया था, जो हमने इसमें लिख लिया इसको हमने निस्बत में लिख लिया, 3/2 था तो हम इसको अगेन किसने कर दिया, इसको निस्बत में कर दिया 3/2। थर्ड पार्ट है 4 kg, 2 kg एंड 750 ग्राम। 4 kg सेपरेट है, 2 kg एंड 750 ग्राम सेपरेट है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 kg है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, जब 4 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4000 ग्राम। केजी हमारे पास बड़ी है वैल्यू और ग्राम छोटी वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं बड़ी वैल्यू को किस में लेके आते हैं, छोटी वैल्यू में लेके आते हैं। यहाँ पर 4 kg की जगह क्या आ गया, 4000 ग्राम। 2 kg की जगह क्या आ गया, 2000 ग्राम एंड 750 ग्राम। 4000 ग्राम एज इट इज। अब यहाँ पर 2000 में 750 प्लस कर देंगे क्योंकि यहाँ पर ये दोनों के दरमियान निस्बत नहीं है, तो ये दोनों क्या होंगे ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2750। अब इसको हम रेशो में लिख लेते हैं, 4000:2750। रेशो को फ्रैक्शन में कर लेते हैं यानी कि बटे में कर लेते हैं, 4000/2750। 0 0 से कैंसिल हो गया, 5 5 25, 5 5 40, 0 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5, 5 6 30। इसको हम रेशो में लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, 16:11। फोर्थ पार्ट है 27 minutes and 30 seconds and 1 hour। ये एक निस्बत है और ये दूसरी निस्बत है, तो 1 minute इज इक्वल टू 60 seconds, 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes। अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू छोटी है, सेकेंड वाली वैल्यू छोटी है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम किस में लेकर आएंगे, इसको हम सेकेंड्स में लेके आएंगे मिनट्स को, 27 × 60। 27 मिनट है, 27 का जब हम मिनट किसके कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं एक मिनट में, जब हम 27 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 1620 एंड 30 सेकंड एज इट इज, 30 सेकंड। उसके बाद क्या है, 1 hour, 1 hour में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। जब 60 को हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मिनट को 60 सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3600। इनको प्लस कर लेते हैं, 1620 में जब हमने 30 ऐड किए, 1650:3600। इसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं, इनको बटे में कर लेते हैं, 1650/3600। 0 0 से कैंसिल हो गया, 5 7 35, 5 2 10, 5 3 15, 5 3 15, 5 7 35, 5 2 10, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 4 12। क्या आ गया, 11/24, यानी कि 11:24। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट 5 के आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसके मैक्सिमम क्वेश्चन हैं आपको खुद सॉल्व करवा दूंगी। पार्ट 5 कौन सा है, 75 डिग्री एंड 225 डिग्री, उसकी भी आप लोग इसी तरह उसको फ्रैक्शन में लिख के उसकी कटिंग कर देंगे और उसको बाद में किसमें लिख देंगे, रेशो में लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ क्लास 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज, कंप्यूट द रेशियो ऑफ बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स, बॉयज टू गर्ल्स। उन्होंने क्या कहा है, 60 तलबा की क्लास में 25 लड़कियां और बाकी लड़के हैं, निस्बत मालूम कराएंगे लड़कों की तमाम तलबा से लड़कों की लड़कियों से। उन्होंने क्या कहा है, इन अ क्लास 60 स्टूडेंट्स, एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स क्या हैं, इज इक्वल टू 60। नेक्स्ट क्या कहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी लड़कियां हैं, 25। नंबर ऑफ बॉयज
बाकी लड़के हैं तो इसलिए मैं पता होगा कि 25 लड़के तो जितने बाकी बच्चे हैं वो लड़के ही होंगे, तो हम क्या करेंगे टोटल जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से गर्ल्स की जो तादाद है उसको माइनस कर देंगे, 60 माइनस 25 तो क्या आ जाएगा 35। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 35। उन्होंने क्या कहा है फाइंड करनी है बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स, हमने बॉयज की टोटल स्टूडेंट्स से रेशो फाइंड करनी है। बॉयज कितने आए हैं 35, रेशो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 60, उसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं 35 डिवाइडेड बाय 60, 5 7 35, 5 1 5, 5 2 10 इज इक्वल टू 7 रेशो 12। ये किसमें आ गए फ्रैक्शन में आ गया तो हमने किसमें लिख लिया रेशो में लिख लिया 7 रेशो 12। उसके बाद उन्होंने सेकंड पार्ट क्या कहा है बॉयज टू गर्ल्स, हाँ बॉयज कितने हैं 35, रेशो गर्ल्स कितनी है 25, इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं 35 डिवाइडेड बाय 25, 5 5 25, 5 7 35 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 5, फ्रैक्शन में आ गया इसको हम रेशो में लिख लेते हैं 7 रेशो 5। फर्स्ट रेशो क्या आई है 7 रेशो 12 एंड सेकंड क्या आई है 7 रेशो 5, ये इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट का आंसर सेकंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 × 4x − 5y इज इक्वल टू 2x − 7y, फाइंड द रेशो x रेशो y। हमने उन्होंने इक्वेशन दी है कौन सी इक्वेशन है 3 × 4x − 5y इज इक्वल टू 2x − 7y, हमने किसकी रेशो फाइंड करनी है हमने x रेशो फाइंड करनी है, हमने इनकी वैल्यूज निकालनी है। यहाँ पर 3 अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 × 12x + −−3 × 5 = 15y इज इक्वल टू 2x − 7y। अब यहाँ पर 12x है जो 2x से बड़ी वैल्यू, तो हम क्या करेंगे इधर वाली वैल्यूज को इस साइड पे ले आएंगे 12x पॉजिटिव 2x इधर आके नेगेटिव 2x माइनस 15y माइनस 7y इस साइड पर आकर पॉजिटिव 7y इज इक्वल टू 0। 12x में से जब हमने 2x माइनस किए 10x साइन बड़ी वैल्यू का प्लस माइनस माइनस 15y में से जब 7y हमने माइनस किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 8y इज इक्वल टू 0। हमने क्या फाइंड करना है हमने x एंड y फाइंड करना है 10x एज इट इज यहाँ पर पॉजिटिव का नेगेटिव का 8y एक साइड पर जाकर पॉजिटिव का 8y हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने 10 को और 8 को सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। x यहीं पर रहेगा 8 यहाँ पर क्या हो रहा है y यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर आप क्या हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू 8 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर आकर डिवाइड 2 × 4 = 8 × 5 = 10 x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 4 / 5 ये x रेशियो x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 4/5 आ गया हमने इसको लेदर लेदर लिखना है तो y इज इक्वल टू 4 / 5। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बहुत इजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 4 के आप लोगों को प्रैक्टिस कीजिएगा नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। नंबर 5 है इफ द रेशियो 3x + 1 रेशियो 6 + 4x एंड 2 / 5 आर इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। उन्होंने क्या कहा है अगर नस्बतें 3x + 1 ratio 6 + 4x और 2 ratio 5 बराबर हो तो x की कीमत मालूम करें 3x + 1 ratio 6 + 4x। अब यहाँ पर चार वैल्यूज आ गई हैं कौन कौन सी 3x + 1 6 + 4x 2 ratio 5 तो हम क्या करेंगे 2 ratio 5 को इक्वल की साइड पे लिख लेंगे। अब इनको हम इसमें करते हैं फ्रैक्शन में 3x + 1 / 6 + 4x इज इक्वल टू 2 / 5 इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है 5 को किसका मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 1 के साथ इज इक्वल टू 2 को किसका करेंगे 6 + 4x के साथ 5 × 3 = 15x + 5 इज इक्वल टू 2 × 6 = 12 + 2 × 4 = 8x। अब x वाली वैल्यू एक साइड पे कर लेते हैं 15x -
8x यहाँ पर पॉजिटिव x, 8x था यहाँ पर आकर नेगेटिव 8x हो गया, इज इक्वल टू 12 यहाँ पर पॉजिटिव 5y के साइड पर जाकर नेगेटिव 5 हो गया। 15x में से जब हम 8x माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7x इज इक्वल टू, जब 12 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7। x इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 7, 7 वन द 7, x इज इक्वल टू 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:8, इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर वी गेट न्यू रेशियो 8:11। फाइंड द नंबर्स, उन्होंने क्या कहा है, दो अदद में नस्बत 5 नस्बत 8 है, अगर हर अदद में 9 जमा करें तो हम नए नस्बत 8 नस्बत 11 हासिल करते हैं। इसके जो न्यू नंबर्स है वो फाइंड करने हैं, तो उन्होंने सबसे पहले हम नंबर ऐड कर लेते हैं। इन नंबर हमारे पास क्या है, लेट द नंबर इज एक्स। हमने क्या लेट किया है कि हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, एक्स है, और हमारे पास रेशो क्या है, 5:8 है। फर्स्ट हमारे पास नंबर क्या है, 5, इसके साथ क्या आ जाएगा, एक्स। उन्होंने क्या कहा है, क्या ऐड करना है, प्लस 9 ऐड करना है रेशो। आगे क्या, सेकंड नंबर क्या है, 8, एक्स प्लस 9। उन्होंने क्या कहा है कि दो नंबर है हमारे पास, फर्स्ट नंबर क्या है 5x, सेकंड नंबर क्या है 8x, और दोनों में क्या ऐड करना है, हमने 9 ऐड करना है, वो किसके इक्वल है, 8:11। जिस तरह हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं इनको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, यानी कि बड़े में लिख लेते हैं, 5x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 11। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5x प्लस 9 के साथ इज इक्वल टू 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8x प्लस 9 के साथ। 11 5 था 55x प्लस 11 9 था 99 इज इक्वल टू 88 था 64x प्लस 89 था 72। अब यहाँ पर 55x छोटा है, 64x बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 64x यहाँ पर पॉजिटिव, 55x है माइनस 55x प्लस 72 माइनस 99 बड़ा है और 72 छोटा है, तो हम 99 को इधर रहने देंगे। यहाँ पर पॉजिटिव 72 की साइड पर आकर नेगेटिव 72 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, 64x यहाँ पर पॉजिटिव 55x है, यहाँ पर 64x माइनस 55x। जब हम 99 में से 72 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 99 माइनस 72 और 27 इज इक्वल टू 64x माइनस 55x क्या आ जाएगा, 9x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, 27 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू x, 9 वन द 9, 9 थ्री द 27, x इज इक्वल टू 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 एज इट इज है, उसकी आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, x इज इक्वल टू 3 आंसर आ गया, तो हमने इसके क्या फाइंड करने हैं, तो हमने इसके नंबर फाइंड करने थे, 5x एंड 8x, 5x एंड 8x, ये दो नंबर थे हमारे पास। 5 एज इट इज, x की वैल्यू क्या है, 3, 8 एज इट इज, x की वैल्यू क्या है, 3, 5 3 था 15, 8 3 था 24, 15:24, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 एज इट इज है, यहाँ पर हमने 9 ऐड किया था, लेकिन वहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे, वहाँ पर हम 10 ऐड करेंगे, बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज है, उसकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। नंबर 8 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 केजी मैंगोस इफ 5 केजी ऑफ मैंगोस कॉस्ट 250। उन्होंने क्या कहा है, अगर 5 किलोग्राम आमों की कीमत 250 रुपये हो तो 8 किलोग्राम की कीमत मालूम करें। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड द कॉस्ट ऑफ मैंगो, मैंगो इज इक्वल टू एक्स। हमने क्या फाइंड करना है, हमने 8 केजी की वैल्यू, हमें क्या फाइंड करना है, 8 केजी की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद 5 केजी की उन्होंने हमें वैल्यू दी है इज इक्वल टू
इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 250। 5 को x के साथ और 8 को 250 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब 250 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 इज इक्वल टू 5x 1000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू x, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 0 0 एज इट इज। जब 250 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2000 इज इक्वल टू 5 को एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 2000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू x, 5 1 द 5, 5 4 द 20, 400 इज इक्वल टू x, यानी कि 400 हमारे पास इसकी वैल्यू आई है, 8 kg मैंगोज की वैल्यू आई है और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ a रेशो b इज इक्वल टू 7:6 फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a + 5b रेशो 7b - 5a। a रेशो b, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं दोनों को, a रेशो b इज इक्वल टू 7:6, a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 7/6, यानी कि a की वैल्यू क्या है 7 एंड b की वैल्यू क्या है 6। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या वैल्यू दी है 3a + 5b रेशो 7b - 5a। अब a की एंड b की वैल्यूज पुट कर देते हैं a में एंड b में, 3a की वैल्यू क्या है 7 + 5b की वैल्यू क्या है 6 रेशो 7b की वैल्यू क्या है 6 - 5a की वैल्यू क्या है 7। 37 का 21 प्लस 56 का 30 रेशो 76 का 42 माइनस 57 का 35। 21 में जब हम 30 ऐड करेंगे 51 रेशो 42 में से जब 35 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। 51 रेशो 7 क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 फिलिंग की ब्लैंक्स है, उनकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि हमने पूरी एक्सरसाइज तकरीबन सॉल्व कर ली है और सारे क्वेश्चन एज इट इज होने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। अब यहां पर क्या आ गया, प्रोपोर्शंस आ गया यानी कि तनासुब। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है 3x - 2 रेशो 4 प्रोपोर्शन 2x + 3 रेशो 7। इस तरह हमने प्रोपोर्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, दो नस्बतों की बराबरी को क्या कहते हैं, तनासुब कहते हैं यानी कि प्रोपोर्शन कहते हैं। तो यहाँ पर दो नस्बतें हैं, पहली नस्बत ये है और दूसरी नस्बत ये है। जिस तरह हमने यहाँ पर इसकी जो नस्बत है, इसकी जो रेशो है उसको खत्म करके इसको फ्रैक्शन में लिखा था, 3x - 2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, दो नस्बतों की बराबरी को, बराबरी का साइन यानी कि इक्वल का साइन, उसके बाद 2x + 3 डिवाइडेड बाय 7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 7 को 3x - 2 के साथ इज इक्वल टू 4 को 2x + 3 के साथ, 7 3 का 21x - 7 2 का 14 इज इक्वल टू 4 2 का 8x + 4 3 का 12। अब यहाँ पर 21x बड़ी वैल्यू है तो हम यहाँ पर 8x को इस साइड पर ले आएंगे, 21x माइनस 8x, यहाँ पर नेगेटिव का 14 है, इस साइड पर जाकर पॉजिटिव का 14 हो जाएगा। 21 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13x इज इक्वल टू, जब हम 12 में 20 जब हम 12 में 14 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 26। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की, x इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 13, 13 वन द 13, 13 टू द 26, x इज इक्वल टू 2। ये इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है 3x - 1 डिवाइडेड बाय 7 रेशो 3/5 प्रोपोर्शन 2x डिवाइडेड बाय 3 रेशो 7/5। अब यहां पर हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं प्रोपोर्शन फाइंड करने का, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स।
एम इसका कैपिटल लिखेंगे और इसका भी ई कैपिटल लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, एक्सट्रीम का क्या मतलब है, यानी कि एंड, यानी कि इसके अंदर फैन का हासिल जरब और वस्तैन का हासिल जरब। तो फैन कौन से होते हैं, जो साइड पे होते हैं, और वस्तैन कौन से होते हैं, जो सेंटर में होते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 3x-1 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 5, इसको आप लोग ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं या मल्टीप्लाई का भी साइन लगा सकते हैं, इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5 एंड 2x डिवाइडेड बाय 3। 7 7 से कैंसिल हो गया, 3x-1 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3, 3 से कैंसिल हो गया, 2x डिवाइडेड बाय 5, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3x-1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई बाय 5, 5 थ्री द 15x-5 वन द 5 इज इक्वल टू 25 का 10x। अब x वाली वैल्यू एक साइड पे कर लेते हैं, 15x-10x, यहाँ पर पॉजिटिव की थी, इस साइड पर आकर नेगेटिव की हो गई, यहाँ पर नेगेटिव का 5 था, इस साइड पर जाकर पॉजिटिव का 15 में से जब हम 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू 5, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 5 ऑन द 5, 5 ऑन द 5, एक्स इज इक्वल टू 1, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसका पार्ट 3 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, इसकी आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, नेक्स्ट हम इसका पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पी स्केयर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्केयर रेशियो एक्स प्रोपोर्शन पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू रेशियो पी माइनस क्यू होल स्केयर। जिस तरह हमने पार्ट 2 किया था, इसी तरह पार्ट 4 प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यहाँ पर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिख रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने पेपर में इसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, इसको आपने पूरा लिखना है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है, पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर एंड लास्ट में क्या है, पी माइनस क्यू होल स्केयर इज इक्वल टू एक्सट्रीम क्या है, एक्स एंड पी क्यू माइनस क्यू क्यू डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू। इधर वाली वैल्यू को ऐसे भी रहने देंगे, पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर पी माइनस क्यू होल स्केयर इज इक्वल टू। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बन हो रहा है, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब का, यहाँ पर ए क्यूब माइनस पी क्यूब, ये फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ए बी की जगह हम क्या लिख देंगे, ए की जगह हम पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, यानी कि यहाँ पर ए एंड बी की जगह हम क्या लिख देंगे, पी एंड क्यू। P माइनस क्यू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साथ एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या हो रहे हैं, यहाँ पर ये बढ़ते हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी माइनस क्यू होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू, ये इससे कैंसिल हो गया, पी माइनस क्यू इसके स्केयर से कैंसिल हो गया, पी माइनस क्यू इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू। अब यहाँ पर पी माइनस क्यू, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ऊपर की साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स, पी को पी से मल्टीप्लाई किया, पी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नंबर 11 का लास्ट पार्ट है, 8-x रेशियो 11-x प्रोपोर्शन 16-x रेशियो 25-x। जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन इसके पहले पार्ट सॉल्व किए, इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे।
एक्सट्रीम, एक्सट्रीम कौन कौन से हैं, 8 माइनस एक्स एंड लास्ट में क्या है 25 माइनस एक्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन्स कौन से हैं 11 माइनस एक्स 16 माइनस एक्स। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब हम 25 को 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 200, 8 को 25 के साथ मल्टीप्लाई किया 200 प्लस माइनस माइनस 8 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 8x प्लस माइनस माइनस 25x माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 16 176, 11 को x से मल्टीप्लाई किया माइनस 11x प्लस माइनस माइनस 16x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज को एक साइड पे कर लेते हैं, 200 यहाँ पर पॉजिटिव का 176 है, यहाँ पर आकर नेगेटिव का 176, माइनस माइनस प्लस माइनस 25 में जब हम माइनस 8 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 33 एक्स, यहाँ पर क्या है माइनस माइनस प्लस, जब माइनस 11 में माइनस 16 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 27, यहाँ पर आकर पॉजिटिव 27 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, वहाँ पर पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर है, इस साइड पर आकर नेगेटिव का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 200 में से जब हम 176 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 24 प्लस माइनस माइनस 33 में से जब हम 27 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 0, 24 इज इक्वल टू 6x, 24 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू x, 6 वन द 6, 6 फोर द 24, x इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट पार्ट का आंसर है, x इज इक्वल टू 4। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट होती है, आप लोग इसे खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा।